अच्छा सर जी, एक और चीज है, बचपन में ना हमें सिर्फ ये वो हदीसें बताई गई, कचरा वो झूठी हो गई, या हम ये समझते थे बचपन में कि नबी करीम सिर्फ 11 और जो उनकी बीवियां थी उन्हीं के साथ उनका रिलेशनशिप था। लेकिन मैं आपके सामने एक और हदीस पेश करता हूँ, हदीस सही बुखारी की 371। इसका मैं तर्जुमा पढ़ता हूँ, इंग्लिश में भी है ये, कि जब हमने खैबर को फतह किया तो कुछ वहां के कैप्टिव्स यानी जो कैदी थे उनको ले लिया और बूटी को जमा किया गया। उसके बाद दीहा आया और उसने कहा, ए अल्लाह के पैगंबर, गिव मी अ स्लेव गर्ल, मुझे एक लौंडी दो। जुमला सुने, इनके अपनी हदीस है यार। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, मोमिनो, अल्लाह से के प्रॉफिट से कहा, गिव मी अ स्लेव गर्ल, मुझे एक लौंडी चाहिए, अल्लाह के मुझे लौंडी चाहिए, मेरा बहुत खुजली हो रही है अंदर। अच्छा खैर, ये तो पता नहीं क्या, मुझे एक्टिंग का शौक भी था। तो प्रॉफिट ने कहा, जाओ एंड टेक एनी स्लेव गर्ल, तुम जाओ और एक लड़की ले लो। ये मुसलमानों औरतें जो कहती है ना, औरतों को इज्जत होती है। अच्छा, ही टुक सफिया बिनते हुई, फिर उस बंदे ने सफिया को ले लिया। अच्छा फिर एक बंदा आया, उसने प्रॉफिट से कहा, ए अल्लाह के रसूल, ये जो आपने सफिया दे दी है दया को, ये तो वहां की मिस्ट्रेस थी, तो ये तो उसके काबिल नहीं है, तो ये तो आपके लिए सूट करती है। तो प्रॉफिट ने कहा, अच्छा जाओ उस बंदे को पकड़ के लाओ और लड़की को साथ लाओ। तो फिर जब दिया आया उस लड़की के साथ, तो प्रॉफिट ने उसको देखा, और देखें प्रॉफिट रहमतुल आलमीन ने क्या कहा, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा भाई, ये सही बुखारी की हदीस है। नबी ने कहा, जाओ कोई भी स्लेव गर्ल को उठा लो और इसको यहाँ छोड़ दो। फिर मोहम्मद ने उसको आजाद किया, उस लड़की को, ताकि आजाद से मुराद अपनी उसको गुलाम उसमें ले लिया, जो भी रिश्ते में ले लिया। फिर उन्होंने कहा, ही वो हर वॉस हर सेल्फ वॉज हर मेहर फॉर, हाँ। फिर उनसे बोला, नबी से पूछा कि भाई आप मेहर में क्या देंगे, तो उन्होंने कहा, इसके लिए ये मेहर है कि नबी की साथ रहेगी, यही इसका मेहर है। और उसके बाद आखिरी जुमला, वाइल ऑन द वे उम्मे सुलेम ड्रेस्ड हर फॉर मैरिज, वो फिर बेचारी शादी के लिए इसको जबरदस्ती तैयार किया गया, और उसको शी सेंट हर एज ए ब्राइड टू द प्रॉफिट, और वो दुल्हन बन के नबी के पास पहुंच गई उस रात को रंग रंगलियां मनाने। ये हदीस है भाई। सर, ये सफिया बिन तहई पे गालिब साहब ने भी बहुत बात की हुई है, मैंने भी बहुत क्या बात की हुई है। मेरे ख्याल में एज अ फेमिनिस्ट मैं ये समझता हूँ कि मोहम्मद को एक फेक नबी, एक झूठा नबी और एक घटिया तरीन इंसान कहने के लिए मेरे पास इससे बड़ी एग्जाम्पल ही कोई नहीं है, इससे बड़ी एग्जाम्पल ही कोई नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि सफिया के जो सफिया वाज न्यूली मैरिड, ठीक है, उसके हस्बैंड को कत्ल करवाया मोहम्मद ने, उसके फादर को कत्ल करवाया मोहम्मद ने, उसके भाई को कत्ल करवाया मोहम्मद ने। और जब वो कैप्टिव हो गई तो कहीं किसी कुछ हदीस में आता है कि उन्होंने 7 बकरियां देकर जो है, क्योंकि सफिया आ गई थी दहिया के हिस्से में, जब दहिया के हिस्से में आई थी तो उसकी खूबसूरती का जो है वो पता लगा मोहम्मद को, तो मोहम्मद ने जो है कहीं कहते हैं कि 7 लौंडियां दे के उसने खरीदा, कहीं कहते हैं कि 7 बकरियां दे के उसने खरीदा, दहिया से खरीद लिया। फिर उसने उम्मे सलीम के हवाले कर दिया कि इसको दुल्हन बनाकर जो है वो हमारे हवाले किया जाए। यार, एक थोड़ी सी ह्यूमन नेचर के बारे में बात करते हैं, छोड़ दें कि वो मोहम्मद नबी था क्या नहीं था। एक इंसान जिसका बाप भाई और शौहर दिन में कत्ल हो गया हो, वो उस बंदे के साथ सेक्स करने के लिए क्या वो मेंटली फिजिकली प्रिपेयर हो सकती है जिस बंदे ने उसके माँ उसके बाप भाई और शौहर को कत्ल करवाया हो? यहां से पता लगता है कि यार इस्लाम जो है, इस्लाम में कंसेंट जो है वो कितना एक मैटर करता है। बिल्कुल, गालिब तो साहब, गालिब साहब, आई कहें जी, स्टिल जब देयर? राइट लॉन्ड्री रखने की इजाजत है तो कंसेंट किधर मैटर करता है, मैटर कर राइट ही नहीं सकता। मसला ये है, हमेशा आप ही पता ना, सामने ही पता है कोई। सर, मैं 1 मिनट के लिए ऑफ हो रहा हूं। इस्लाम में तो बीवी का कंसेंट की भी जरूरत नहीं है ना, वो कहता है बीवी बीवी ना करेगी तो पूरी रात लानते खाएगी, ठीक है। बिल्कुल, इवन शादी में भी जो आयत है कुरान की, वो ये कहती है कि तुम जो जिसको चाहो शादी कर लो। उसमें औरत से नहीं कहा जा रहा कि औरत की मर्जी हो तो कर लो, ये जुमला ऐड नहीं है उस आयत में। तो गालिब भाई, नेक्स्ट हदीस पे चलते हैं, स्पार्टकस ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, ये नेक्स्ट हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस नंबर है 2031A। तर्जुमा,
व्हेन एनी वन ऑफ यू ईट्स फूड, जब तुम में कोई खाना खाए, नबी करीम फरमाते हैं ही शुड नॉट वाइप हिज हैंड, वो अपना हाथ ना साफ करे जब तक वो या तो खुद से उंगलियों को चाट ना ले या कोई और उसकी उंगली को चाट ना दे। ये है सफाई का मियार, यानी मैंने हाथ खाया तो कोई, मैं आपसे कहूंगा मेरी उंगली चाटो, और ये अगेन सही मुस्लिम की हदीस है। आगे चलो, चले 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 जी। अच्छा, ये हदीस तो बहुत ही खतरनाक है, और खवातीन अपनी आंखों पे क्या कर ले, पट्टी रख लें। ये मेरी हदीस नहीं है, नबी करीम ने फरमाया है। स्पार्टाकस जी आ गए? जी आ गया। अच्छा सर जी, ये हदीस देखे आप, और माजरत मैंने एक तस्वीर लगाई, लेकिन ये हदीस थी तो मुझे उसकी जरूरत पिक्चराइजेशन भी करनी होती है। अच्छा, हदीस नंबर है 7116, सही बुखारी है भाई, ये सही बुखारी की सही हदीस है। तर्जुमा, अबू हुरैरा ने खबर दी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि कबीला दोस्त की औरतों का जुल्खलसा का तवाइफ करते हुए चूतर से चूतर ना उछलें, और दोस्त का बुत था जिसको वो जमाने जाहिलियत में पूजा करते थे। यहाँ नबी करीम जो शर्मो आया के मालिक थे, उन्होंने कहा जब तक कयामत नहीं होगी तब तक औरतों के चूतर ना हिलेंगे। यार ये मेरे अल्फाज थोड़ी है, ये उनके हाँ। और ये उनकी वेबसाइट पर है भाई, इसकी इंग्लिश है कि आवर विल नॉट बी एस्टैब्लिश, यानी कयामत जब तक ना होगी टिल द बटक्स ऑफ द वुमेन ऑफ द ट्राइब मूव। अब आप यार क्या कहोगे यार, ये हदीस क्यों नहीं मुसलमान जानते इस बात को? जानते हैं, इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। वो कबीला जो है उसकी औरतों ने कयामत रोकी हुई है भाई, जिस दिन उनकी कोई भी औरत गलती से हैं, फर्ज करो जी बाजार में खड़ी हो चादर चुदर लपेट के, और जी उड़ जाए उधर से चादर है, और वो फिर बेचारी चलती जा रही है और उसके हिल रहे हो, तो कयामत आ जाएगी। बस कयामत लाने का कितना आसान तरीका है, हैं मुसलमानों ने, किसी मुसलमान का दिल कर रहा हो कि क्यामत आ जाए, हैं तो मुसलमानों को चाहिए उस कबीले वाली की किसी औरत को पकड़ें और उसे बाजार में जरा यूं करके चला दें तो बस क्यामत आ गई। यार इसमें मैं एक बात ऐड करूंगा, मैंने हॉलीवुड की फिल्म बहुत फेमस है स्पिट ऑन योर ग्रेव, रिवेंज की मैंने देखी हुई है, उसमें जो पुलिस वाला था वो क्या कहता है, आई एम एस मैन, यानी वो एस पसंद थी उसको, तो यहाँ भी कुछ गड़बड़ नजर आ रही है मुझे। आगे यार हद हो गई यार। अच्छा ये जी जी कुछ कहना चाह रहे सर जी इस पे, मैं ये देखें मुझे ना तरस आता है इन मुसलमानों की मेंटालिटी के ऊपर, इनके सोच के ऊपर और इनकी एजुकेशन के ऊपर। आज गालिब साहब और आरिस बैठे हुए थे, तीन चार घंटे ये लोग लाइव बैठ रहे हैं, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि तीन चार घंटे लाइव बैठने के बावजूद भी मेरे ये चैनल पर तशरीफ लाए हैं गालिब साहब। तो ये दोनों जो है वो जिस चीज़ पर एम्फसाइज कर रहे थे, वो इस चीज़ पर एम्फसाइज कर रहे थे कि देखें जो चीज इंसान को बचपन में सिखाई जाती है ना, बचपन से पढ़ाई जाती है, वो कहते हैं ना पंजाबी का वर्ड होता है घुटी, कि बचपन में जो घुटी में डाली जाती है ना, वो पर सारी जिंदगी इंसान के ऊपर उसका इन्फ्लुएंस रहता है। अगर इन मुसलमानों को या आने वाली न्यू जनरेशन में अगर एक चीज सिर्फ तब्दील हो जाए ना, कि वो कहते हैं ना कि कुरान की एक आयत है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि ये वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। सिर्फ अगर इस आयत का रट्टा ना लगाया जाए और इनको बताया जाए कि कुरान में तुम गौर और फिक्र कर सकते हो, तुम तहकीक कर सकते हो, कुरान के ऊपर क्वेश्चन कर सकते हो, हदीस के ऊपर तहकीक कर सकते हो, मैं ये समझता हूँ कि इस इस्लाम को मरने में और एटलीस्ट टूथलेस होने में मेरे ख्याल में 5 साल का भी अरसा नहीं लगेगा। Exactly. लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम हमारे पास यही है कि मैं अपनी एग्जांपल आपको देता हूं कि मैंने जब क्वेश्चन करना शुरू किया था ना शुरू में ऐसा नहीं था कि मैं कोई एथियज्म की तरफ जा रहा था या किसी खास फिरके की तरफ जा रहा था, मेरे कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे, और वो जब क्वेश्चंस करना मैंने शुरू हुआ था तो आप यकीन करें ह्यूमन बीइंग जी गालिब जी, मैं सारी रात सो नहीं पाता था इस डर से कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई है, शैतान ने मुझे इतना बहका दिया है कि मैं कुरान के ऊपर, इस्लाम के ऊपर, हदीस के ऊपर क्वेश्चन करने की हिम्मत में आ गया हूँ। अगले महीनों महीनों में मैं अल्लाह से और
माफिया मांगता था कि दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूंगा, दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूंगा, दोबारा सवाल सोचने का भी नहीं करूंगा। फिर मैं अपने जवाब तलाश करता था कि अच्छा मैंने ये नमाज नहीं पढ़ी थी, मैं रोजे नहीं रखे थे, मैंने ये नहीं किया था, इसलिए मुझे शैतान ने बहकाया, मैं क्वेश्चन करने लग गया, क्वेश्चन करने की तो इजाजत नहीं है इस्लाम में। और मैं मतलब एक सेंस ऑफ गिल्ट जो है दैट वॉज प्रिवेलिंग ऑन माई पर्सनैलिटी। मैं ना तो ठीक से स्टडी कर पा रहा था, ना ठीक से सो पा रहा था, ना अपने घर के जो काम होते थे वो कर पा रहा था। बहुत बुरी हालत थी मेरी और ये मैंने बड़े लंबे अरसे तक झेला। मैं आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट दोज गाइज दोज गर्ल्स जो इस एज में 15-16 की एज में, खैर मेरे पास तो उस वक्त 90s में ये फैसिलिटीज नहीं थी, लेकिन आज लोग आप लोगों के पास हैं कि आप लोगों के पास इंटरनेट है, आप YouTube है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आप उसको क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं, लेकिन खाली सवाल करना, मतलब ये देखें कि इस्लाम ने अपनी कुरान को तो प्रिजर्व किया है या नहीं किया, लेकिन क्वेश्चन करने को, इनको चेक एंड बैलेंस करने को 1400 साल तो नहीं कहूंगा क्योंकि इस्लामिक हिस्ट्री 1200 साल की है, 1200 साल इतना प्रिजर्व करके रखा है, लिमिट करके अपने अंदर उन्होंने रखा है कि ना तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ना कि ना इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, ना इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं। मेरे ख्याल में शायद इस्लाम दुनिया का दैट वुड बी द लास्ट रिलीजन, गालिब साहब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जिसके ऊपर आर्कियोलॉजिकल रिसर्च एंड ऑल दिस साइंटिफिक रिसर्च जिसके ऊपर स्टार्ट हुई है। बिल्कुल हाँ, मतलब इस्लाम के ऊपर अगर आर्कियोलॉजिकल रिसर्च देखा जाए तो एक सदी नहीं हुई अभी तक आर्कियोलॉजिकल रिसर्च होने पे इस्लाम को, और 1950s के बाद ही सारा काम मोस्टली हुआ है, और इसलिए अभी तक आप ये नहीं कह सकते कि जी कोई दूर दूर तक भी इम्कान है कि इस्लाम के बारे में जो रियल पिक्चर है कि इस्लाम कैसे पैदा हुआ वो दुनिया में किसी को पता ही नहीं थी आज तक। अब लोगों को अंदाजा होना शुरू हुआ यार ये यूं था, ठीक है, तो उससे पहले तो कोई पता नहीं था। ये जो हदीस है मैं समझता हूँ यार, अगर कोई किसी भी लड़की मुसलमान लड़की में हल्का सा भी सेंस होगा ना यार, वो इस्लाम प्लीज छोड़ दो यार, अब तो छोड़ दो, ये चोटड़ वाली बात सुन के यार आगे चलते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ एक्स मुस्लिम स्पार्टिकस और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कुरान और इस्लाम को एक्सपोज करने के काम को जारी रखने के लिए मुझे आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है, और ये सपोर्ट आप मुझे पेट्रियन के ज़रिए और पेपाल के ज़रिए कर सकते हैं। पेट्रियन और पेपाल के लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगे।